हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, जैसे कि मैंने अपने कॉलेज के बारे में एक लास्ट डे ऑफ माय कॉलेज करके इन कॉलेज पे वीडियो बनाया था, तो उसके कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे। तो देखिए, हमारा कोई टेक्निकल चैनल नहीं है जिस पे प्रोडक्ट का अनबॉक्स करेंगे। हाँ, भले ही अगर मैं कुछ लूँगा सेटअप में या फिर कुछ, तो आप लोग को बताऊँगा। उसी तरह कोई मेरा नॉलेज ये एडमिशन कैसे करते हैं, कहाँ क्या करते हैं, उसका भी चैनल नहीं है। बट मैं इस वीडियो में इन कॉलेज पे पार्ट टू बना रहा हूँ, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उस वीडियो में कमेंट कर रहे थे, जिनका सारे लोगों का लगभग मैं आंसर करने का कोशिश किया हूँ, कर भी दिया हूँ सबका। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तो मैंने भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किया था। तो सोच रहा हूँ कि आप लोग को ये बता दूँ, तो आप लोग को वो दिक्कत ना हो एन कॉलेज के बारे में एडमिशन लेने में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, तो गाइज, सबसे पहले प्रोसेस शुरू होता है एन कॉलेज में एडमिशन लेने का। तो देखिए, आप लोग को यहाँ पे एक मैंने अपना जो सेलेक्ट किया था कौन कौन सा कॉलेज यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ स्क्रीन पे, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं। लगभग 5-7 ऐड करना होता है, जिसमें कि मैंने टॉप पे एन कॉलेज रखा होगा और बाकी सब। देखिए, मैं अपने हिसाब से रखा था कि जो, जैसे कि हमारे एरिया में जो आसपास कॉलेज है, वो सब मेरा सेकेंड ऑप्शन था। ठीक है, मतलब फर्स्ट में मेरे को था कि एन कॉलेज में लेना है, और उसके बाद अगर नहीं होता है तो मेरे आसपास एरिया में जो है उस में लेना है। तो पहली बात, अब एन कॉलेज में एडमिशन लेने का क्राइटेरिया क्या क्या है। एन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कम से कम आपको 70% एबव आपको स्कोर करना पड़ता है टेंथ में। अगर टेंथ में आपका 70% से एबव मार्क्स आया है, तो आपका उसमें इजीली जो आप सेलेक्ट करेंगे एन कॉलेज, तो आपका उसमें नाम आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये पहले था, अब भी है, बट ये जब से लॉकडाउन हुआ है, मैं अपने कॉलेज में बहुत सारे फ्रेंड्स से मिला था जिनका 60% इनफैक्ट 55% तक के लोगों का एडमिशन ले लिया था। तो अभी वैसा कुछ टेंशन नहीं लेना है, सबको एडमिशन मिलेगा। अब एकदम जो नीचे रहेंगे उनका नहीं मिल पाएगा भाई। अबे बंद कर। हाँ, तो बात करते हैं इसके क्राइटेरिया का। अगर आपका 70% मार्क्स से एबव लाए हैं, आप किसी भी बोर्ड में हो, CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी में भी हो, अगर 10 में आपका 70% से एबव मार्क्स आया है, तो आप एलिजिबल है उसके लिए। तो आपका ये जो भी आप सेलेक्ट करेंगे एन कॉलेज, तो आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो हाँ, बता दूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि 70% वालों कहीं, ये पहले का ऐसा नियम था। ये जब से लॉकडाउन चल रहा है ना, मैं अपने कॉलेज में फ्रेंड से भी मिला था, इनफैक्ट 55% वालों का भी लिस्ट में नाम आया था, और वो भी एडमिशन लेकर पढ़ाई कर रहे थे। तो अभी कुछ ऐसा नहीं है, बट एकदम ही जिसका कम मार्क्स रहेगा उसका नहीं आएगा। अगर उसका जो ये निकलता है, रिजल्ट निकलता है, फर्स्ट लिस्ट में निकलता है, सेकंड लिस्ट में निकलता है, थर्ड लिस्ट में निकलता है, तीन बार। अब तीन बार में नहीं आएगा तो भाई, मतलब आप उसके क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, इसलिए नहीं आया होगा, या फिर आपका कोई फॉल्ट रहा होगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं वहाँ से जाके, जहाँ से अप्लाई करते हैं, फॉर्म वगैरह जो भी कर सकते हैं वहाँ से। और उसके बाद आती है बात कि फॉर्म अप्लीकेशन डालने के बाद मेरा लिस्ट में नाम भी आ गया, उसके बाद का प्रोसेस क्या है? उसके बाद क्या करना है कि आपको सिंपली कॉलेज जाना है, लिस्ट में नाम चेक करना है। आपका लिस्ट में नाम है तो आपको वहाँ पे जाके, साइबर कैफ़े है वहाँ पे, साइबर कैफ़े में जाएंगे। सारे गवर्नमेंट जितने भी कॉलेज होते हैं उसके बाहर साइबर कैफ़े होते हैं। साइबर कैफ़े में है, एन कॉलेज के पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे नहीं मतलब दो हैं, तो मैं फर्स्ट सेकेंड दो हैं, तो आप किसी पर भी जाएंगे तो वो सारा प्रोसेस वो जानते हैं। आपका जितना भी है, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, क्या करना है, बस आपको वहाँ पर जाना है, जो भी रजिस्ट्रेशन फ़ी होगा, जो कॉलेज का फ़ी होगा, वो लेके जाना है, और आपको सारा प्रोसेस वो पूछेंगे, बता देना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आपको वो बता देंगे। मैं उनका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता, बट मुझे नहीं सही लगता है देना चाहिए। तो आप लोग एन कॉलेज जाएँ तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। सर, आपको कुछ नहीं करना है, सारा कुछ वहीं लोग कर देंगे। दूसरी बात, जब रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये टाइम मिलेगा, कि मतलब आपको डॉक्यूमेंट जमा करना है। मैं भी गलती कर चुका था, आप लोग मत कीजिएगा। मैंने क्या गलती किया था कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया था, डॉक्यूमेंट जब जमा करना था वेरिफिकेशन के लिए, तो जाना था, तो मैं फ्रेंड के साथ जाऊंगा, भैया के साथ जाएंगे, ये वो करते करते मैं गया ही नहीं। लगभग डेट भी ख़त्म होने को ही था, तो मैंने अपने फादर साहब, मैंने अपने पापा को भेजा था डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए, तो वो गए कॉलेज, तो वो पूछें कि डॉक्यूमेंट जमा करना है सर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में। तो उसने कहा, सर ने पूछा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया बच्चे का, तो उनको पता नहीं था, बस मैं डॉक्यूमेंट दिया था वो चले गए थे, क्योंकि सारा काम मैं कराने गया था। तो वो बोले कि नहीं सर, तो उन्होंने उन लोगों ने बोल दिया कि रजिस्ट्रेशन का डेट खत्म हो गया, आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। पता नहीं क्या, एक पता चल जाता है ना कि कुछ गलती किए हैं, तो मेरे को, मैं उस दिन पापा से कुछ नहीं पूछा, पापा भी हमको नहीं बताया। अगले दिन मम्मी को बोले कि मम्मी पूछो क्या हुआ, जमा हो गया कि नहीं। तो मम्मी पूछी तो बोली कि अब इसका एडमिशन नहीं होगा, पापा बोल रहे हैं तेरा एडमिशन नहीं होगा, अब तू कहीं और देख।
क्योंकि तेरा रजिस्ट्रेशन नहीं करा है। फिर मैं उसी दिन गया सर से रिक्वेस्ट किया कि सर ये तो, हाँ ये आप लोग गलती ना करें, जैसे ही आपका लिस्ट में नाम आता है सबसे पहले जाएं डॉक्यूमेंट जो जमा करना है वो कर लें, क्योंकि एडमिशन लेना ज़रूरी है, तो आप डॉक्यूमेंट जमा कराएं डॉक्यूमेंट। तो फिर मैं गया वहाँ पे, तो सर को रिक्वेस्ट किया कि सर मैं दूर से था, पता नहीं था। तो अब जो होता है सारा काम ऑनलाइन होता है, तो मैनुअली भरना के लिए फॉर्म आता था पहले, तो मैनुअली सर मतलब जो एक फॉर्म होता है हार्ड कॉपी उस पर भर लिए, जो मेरे से एक्स्ट्रा 1500 जो रजिस्ट्रेशन चार्ज था वो भी ले लिए कि हाँ जब भी अगर साइट पर ऐसा कुछ अवेलेबल हो हमारे कॉलेज में आएगा तो मैं तुम्हारा कर दूंगा। बट मुझे नहीं पता था, फिर घर आकर सारे दोस्तों से बात किया, दिखाया कि मेरे को क्या क्या मिला है, सब कुछ दिखाया। तो दोस्त ने बोला कि तेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो डॉक्यूमेंट जमा कर दिया आज, चल सही है, मेरा वो 1500 वेस्ट हो गया। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पता करना है। और हाँ, पहली बात, जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो जो साइबर कैफ़े वाले हैं उनका आप नंबर ले लीजिएगा, वो देते हैं, आप उनसे कांटेक्ट में रहेंगे तो वो बताते हैं अच्छे से कब क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो आपको वहाँ से सब कुछ डिटेल पता चलेगा। अब उसके बाद क्या होता है, जब आपने वेरिफिकेशन करा लिया तो अब होता है कि भाई अब क्लासेस शुरू होंगे, तो आपको क्लास जाना है। बहुत सारे फ्रेंड मेरे को पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में पिछले वीडियो में, क्या रेगुलर क्लास करना जरूरी है, रेगुलर जाओगे तो आप ही का फ़ायदा है, नहीं जाओगे तो भाई आपके पास। लेकिन एन कॉलेज में 75% ऐसा मतलब मैंडेटरी है, आपका होना ही चाहिए। बट लॉकडाउन चल रहा था तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं क्या बताऊँ, मैं नहीं बता सकता, बट इतना बता सकता हूँ कि हाँ जाइएगा, कम से कम वीक में 2 दिन या 3 दिन भी जाइएगा चलेगा, वीक में कम से कम 2 दिन तो जाना ही है, जाइएगा। बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कुछ। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, जितना दिन क्लासेस खुला था वीक में कम से कम 2-2 बार गया हूँ। तो वो, और जब आप क्लासेस जाने लगेंगे तो बात आएगा एडमिट कार्ड का। तो एडमिट कार्ड लेने के लिए क्या करना है, एडमिट कार्ड आप जैसे ही गेट से एंट्री करते हो तो वहाँ पे इंक्वायरी ऑफिस है, वहाँ से आप वो देंगे एडमिट कार्ड का फॉर्म, फॉर्म इन द सेंस जो एडमिट कार्ड पर रजिस्ट्रेशन नंबर नाम ये सब भरना वो देंगे, सबमिट करेंगे, उसके अगले दिन जाके रखेंगे तो वो लोग स्टैंप लगा के आपको एडमिट कार्ड देते हैं। क्लासेस का भी हो गया। अब रही बात फी, भाई एडमिशन में कितना लगता है, मेरा अप्रॉक्स 6000 के आसपास या 5000 के आसपास लगा था, क्योंकि और सारे जो कॉलेज हैं वो प्राइवेट है, और जो हमारा कॉलेज है एएम कॉलेज थोड़ा सा प्राइवेट थोड़ा सा सरकारी है, तो उसमें बहुत मिनिमम सारे लोगों का लगा था 10000 अप्रॉक्स फी, मेरे कॉलेज में 4000 लगा था। और हाँ, तो जब ये सारे कर लेंगे तो बात, और मैं सारे कॉलेज का बात कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस कॉलेज में था उसके बारे में जान रहा हूँ। उस कॉलेज में क्या है, एन कॉलेज में एक डिसिप्लिन, जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, डिसिप्लिन भी मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि पुलिस स्टेशन वहाँ पे उतना लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, भाई भाई भाईचारा बहुत है, मतलब भाई भाई करके सारा काम हो जाता है। तो वो है, क्लासेस भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती पढ़ना है, कॉलेज में ऐसा ही होता है, आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो सर बोल देंगे बेटा आप बाहर जा सकते हैं, या फिर सर अटेंडेंस बनाता चला जाता है। वो हो गया। अब आता है, मैं 11th का एग्ज़ाम नहीं दिया था, 12th का एग्ज़ाम। 12th के एग्ज़ाम से पहले आपको बहुत बार, एक बार रजिस्ट्रेशन करा लेंगे फिर से 12th के लिए, फिर आपको कम से कम 5 बार मौका मिलेगा, क्या कि जो आप रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो जो आपका एडमिट कार्ड पे नाम फादर्स नेम सब सही है कि नहीं, वेरीफाई करने के लिए आपको 5 बार। और जब आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन कराने, जब 10th के बाद 11th में एडमिशन लिए तब आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन कराने, रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो जो ईमेल आईडी देगा वो सही दीजिएगा, और जो पासवर्ड रहेगा रजिस्ट्रेशन करा के, जो आप जब आप फॉर्म भरने के लिए, हाँ ये नोट कर लीजिएगा, जब आप फॉर्म भरने के लिए रजिस्टर करेंगे तो अपना पासवर्ड लॉगिन आईडी वगैरह सब याद रखिएगा। पूरे साल 2 साल मेरे को याद नहीं था, साइबर कैफ़े वाले पूछते थे या फिर कुछ, तो पता नहीं अब कैसे निकाल सकते हैं, तो पूछता था कुछ तो याद है तुमको, वो तो बता दो तो निकाल देंगे तुम्हारा डिटेल। तो हाँ, तो आप लोग वो लॉगिन आईडी याद करके रखिएगा, सेव कर लीजिएगा, क्योंकि सारा कुछ मेल पे आता रहता है, मैसेज नहीं आता है। बोलते हैं लोग कि मैसेज भी जाएगा, मैसेज एक भी नहीं आता है, जो आपके मेल पे है मेल आएगा, सब आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। पूरा साल मेरे को भाई लोग 2 साल तकलीफ हुआ है, क्योंकि मेल जब आता था तो मेरे को नहीं आता था, सबको आता था, तो दोस्त से बार बार कि भाई मेल आया है तेरा हुआ, तो चल चल पता करते कॉलेज में, बहुत बार मेरे को कॉलेज इसलिए भी जाना पड़ा था। तो आप लोग उसका ध्यान रखें। जब आप 12 में चले जाएंगे तो आपको कम से कम 3 से 4 से 5 बार मौका मिलेगा आपको चेक करने के लिए। अब रही बात एडमिट कार्ड का, सारा पढ़ाई वगैरह सब हो गया, एडमिट कार्ड निकालने का, एडमिट कार्ड आप लोग साइबर कैफे से मत निकालिएगा, क्योंकि लास्ट में कॉलेज वाला उस पर स्टैंप लगाना मना कर देता है, ठीक है, वो हो जाएगा। उससे पहले प्री बोर्ड का मिलता है, प्री बोर्ड का लेंगे, वो कोई मायने नहीं है, आप साइबर कैफे से ही निकालेंगे, एग्ज़ाम देंगे। भाई प्री बोर्ड में चीटिंग कर सकते हैं कि नहीं, प्री बोर्ड में आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, आपको बस लिखना है, ठीक है। प्रैक्टिकल के बारे में बाद में बात करूँगा। इसके बाद आता है प्रैक्टिकल का डेट,
कि प्रैक्टिकल आपको इस डेट पे जमा कर देना है, तो उसके लिए आपको ना ग्रुप में जो नंबर दिए रहेंगे ग्रुप में जुड़े रहेंगे, आप लोग ग्रुप लेफ्ट मत कीजिएगा, उसमें सबको मैसेज करने अलाउड नहीं है, एडमिन करता है सिर्फ मैसेज, सर लोग करते हैं, बट आप लोग ग्रुप लेफ्ट मत कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। मैं एक ऐसा था शायद अपने सारे दोस्तों में जो ग्रुप में था बाकी सब लेफ्ट कर दिए थे, बहुत यार वहाँ से वो मिलता है, लोग प्रैक्टिकल का डेट सब कुछ हेल्प करते हैं, टीचर लोग बताते हैं कि इनफैक्ट ये आने वाला है, ऐसा है ऐसा है। तो आप लोग ग्रुप में रहिएगा, ग्रुप में रहेंगे तो आपको प्रैक्टिकल का डेट आएगा, और जिस जिस टॉपिक पे लिखना है ऐसा कुछ नहीं है, आप गूगल से लिख सकते हैं, गूगल पे अवेलेबल रहता है, क्योंकि कॉलेज एक हिसाब के कॉलेज में प्रैक्टिकल का लैब होता है, बट प्रैक्टिकल होता नहीं है, मैं साइंस स्ट्रीम का बात कर रहा हूँ, बाकी पता नहीं किसी का नहीं जानता, तो लैब उतना होता नहीं है, शायद मैं कभी नहीं गया प्रैक्टिकल के लिए, लॉकडाउन था और जब भी क्लासेस चले तो ऑनलाइन ही चले, और जो भी हुआ प्रैक्टिकल के लिए हम लोग कभी नहीं गए थे। हमारे कॉलेज में बेस्ट बात यह है लाइब्रेरी, आप वहाँ पे जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, डिसिप्लिन अच्छा है। और ये हो गया प्रैक्टिकल का डेट, जब आप प्रैक्टिकल का जमा कर देंगे, साइन करा लेंगे, आप जो भी प्रैक्टिकल बनाएंगे वो पतला वाला जो कॉपी आता है ना प्रैक्टिकल का, उस पर नहीं कीजिएगा, जो हार्ड होता है ना हार्ड वो कवर वाला उस पर बनाइएगा, क्योंकि वो लोग चेक नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग को रिजेक्ट कर दिया था कि फिर से बना के लाओ, तो आप उस पर बनाइएगा, जब उस पर बना लेंगे उसको साइन करा लेंगे, वो साइन करा के आपको कॉपी रखना है, फेक नहीं देना है। जब आप प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो केमिस्ट्री का और फिजिक्स का अपना प्रैक्टिकल कॉपी लेके जाइएगा, क्योंकि जब फिजिक्स का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा तो आपको पहले प्रैक्टिकल कॉपी वहाँ पर जमा करना है, साइन चेक करेगा लोग साइन है कि नहीं है, उसके बाद आपको कॉपी मिलता है। मैं यहाँ पर भी गलती किया था कि मैं एग्ज़ाम देने गया, क्लास में दोस्तों के साथ लेट से हम लोग हैं, सब बैठा था और चलो 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 कॉपी लेना, कॉपी लिए, प्रैक्टिकल का साइन है, हाँ कॉपी सर को दिखा के दोनों कॉपी फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों छोड़ दिए, जो आते हैं लोग कॉपी ले जाने वाला सारा कॉपी सब जमा किया लेके चला गया लैब में, फिजिक्स का ऐसे सारे क्लासेस में बांट दिया गया था कि हाँ ठीक है ले जाओ अपना प्रैक्टिकल, बट हम लोग का जिसमें था वो सर जमा करा दिए थे तो वो जमा हो गया था, केमिस्ट्री की बारी है तो सब कॉपी जमा कर रहा है, तो मेरे को क्या पता, हम सोचे कि मेरा भी बैग में होगा, जब बैग चेक किए तो अरे यार जमा कर दिए, बहुत यार प्रॉब्लम हुआ, सर से बात की, सर बोले कि नहीं लेके आओगे तभी मिलेगा, हम ऐसे कैसे ट्रस्ट कर ले तुम पे। जब वो लाने गए यार पूरा एकदम भरमार लगा हुआ था, मतलब इतना सारा कॉपी था उसमें जल्दी जल्दी ढूंढो, तो उसमें ढूंढे आधा टाइम उसमें गया, बट हाँ फिर मिला, फिर सर को जमा किए तो फिर केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दिए हम। वो कुछ ऐसा नहीं है, आप वहाँ पे चीटिंग चलता है, चीटिंग क्या चलता है आप मतलब गूगल करके लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ऐसा होता है कॉलेज में, एएन कॉलेज में ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा होता नहीं है, समझ रहे हो ना, नहीं होता है। सरकारी कॉलेज के बारे में आप लोग जानते हो, आप लोग जब प्रैक्टिकल दे देंगे तो आपको मैसेज आएगा कि आपका एडमिट कार्ड इशू हो गया है, एडमिट कार्ड के लिए जाएंगे, क्योंकि आपको पहले भी 5 बार मौका मिला है चेक कराने का, चेक करने का, चेंज कराने का, जब हो गया तो एडमिट कार्ड लेंगे, बाहर से साइबर कैफे से मत लीजिएगा, बार बार बता रहा हूँ, जाके कॉलेज से ही लेना है, जब भी कॉलेज आपको डेट देगा उस दिन जब ले लेंगे आप, उसके बाद आपको जाना है एग्ज़ाम देने। अब रही बात एग्ज़ाम में भाई क्या चीटिंग होता है कि नहीं, देखिए यहाँ पर आप कॉमेंट देख सकते हैं, भाई ने पूछा है, नाम मैं नहीं दिखाऊंगा, कि भाई चीटिंग होता है कि नहीं, तो हम बता दें एन कॉलेज में जिसका सेंटर पड़ता है उसका चीटिंग नहीं होता है, और एन कॉलेज का जहां सेंटर जाता है वहां चीटिंग नहीं होता है। पहली बात, हम लोग का ना मतलब 10 टाइम्स में 8 टाइम्स कॉमर्स कॉलेज हर बार सबका पढ़ता था, इस बार मेरा अलग जगह पढ़ा था, कहीं और कॉलेज नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर पढ़ा था हम लोग का, तो वहाँ पर गए एन कॉलेज वालों का, तो वहाँ पर क्या था ना, अगर आप जैसे एन कॉलेज ना प्रेस्टिजियस कॉलेज में आता है तो आप उससे यू नो थोड़ा सा मतलब वैसे कॉलेज में जाएंगे, उससे एन कॉलेज का रुतबा एक तरीके से, तो आप दूसरे कॉलेज में जाएंगे ना तो टीचर के सामने भी आपका अच्छा रहता है, मतलब कि अरे एन कॉलेज के बच्चे हैं तो पढ़ने वाले हैं, एन कॉलेज में जल्दी किसी का एडमिशन नहीं होता है, तो आपको वहाँ पे भी मतलब एकदम अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। ट्रीट क्या किया जाएगा, मतलब आपको चीटिंग करने के लिए बुक नहीं दे दिया जाएगा, आपको सर बहुत अच्छे से बात करेंगे, सर जानेंगे कि अरे एन कॉलेज वाले बच्चों को क्या बताना है, अच्छे से बताएंगे, जानेंगे क्योंकि अच्छे कॉलेज के बच्चे हैं। रही बात चीटिंग का, तो चीटिंग आपको बुक लेके कॉपी लेके नहीं जाना है, चीटिंग नहीं होता है, ठीक है, चीटिंग नहीं होता है, बुक लेके नहीं जाना है, कॉपी लेके नहीं जाना है, आप जाएंगे सिंपल, हाँ आप इतना कर सकते हो आगे पीछे वाले से पूछ सकते हो बिना हल्ला किए, आपको कोई नहीं बोलने वाला, सर आपको खुद बोलेंगे बेटा धीरे, बिहार बोर्ड है, समझ रहे हैं ना, चीटिंग कर सकते हैं बट टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। मैथ्स के दिन ही हमारे में ऐसे सर पड़े थे ना, क्या हुआ ना कि, और एक चीज़ बता दे रहा हूँ, एग्जाम में जब भी सर आएंगे आप लोग से बात करेंगे तो उनसे मजाक मस्ती मत कीजिएगा, कि सर का दिमाग वहीं पे फोकस रहता ही नहीं कि सर से मिल गए अरे सर कहेंगे बहुत अच्छा बच्चा, ऐसा नहीं है। सर आए हमारे पास बोले कि मैं भी एन कॉलेज का पढ़ा हूँ, तो मेरे आगे का जितने दोस्त लोग थे सब बोल दिया ना सर, तब तो मेरा फ्यूचर दिख रहा है सर, ऐसा मस्ती कर दिया था, सर गुस्सा हो गए थे पूरे टाइम, हम ही लोग पे देख रहे थे, मैं इतना बड़ा मास्क पहन के गया था, सब हल्ला कर रहा था सर, ये नहीं कि मैं मतलब चीटिंग नहीं किया थोड़ा बहुत, या फिर बात नहीं किया, या फिर उससे पहले
मास्क पहना था, सब मुंडी नीचे करके लिख रहा है, कुछ बोल देगा तो सर मेरे को बोल देता है, वो बोल रहा है ऐसा है, तो आप लोग शांति बनाए रखिएगा। बाद में भले, समझ रहे हो ना, बाद में भले ही आप आसपास पूछ सकते हो, बट बुक कॉपी ले जाने का वो मत करना, जब वो हो जाएगा। तो अभी एक्चुअली मेरा रिज़ल्ट नहीं आया है, तो मैं रिज़ल्ट के बारे में आप लोगों को नहीं बता सकता, शायद मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि मेरा कैसा रिज़ल्ट आया, क्या आया। बट हाँ, अब बता दूँ कि भाई कॉलेज में कैसा पढ़ाई होता है, ठीक है, कॉलेज में पढ़ाई के बारे में बता दूँ। कॉलेज में बढ़िया पढ़ाई होता है, सारे कॉलेज से अच्छा होता है, डिसिप्लिन मेंटेन है। मैं सारे कॉलेज से कंपेयर नहीं करूँ, मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ, यू नो, थोड़ा प्रेस्टिजियस कॉलेज है, वहाँ पर पढ़ाई होता है अच्छे से, तो वहाँ पर पढ़ाई होता है। अब देखिए, मेरा है छोटा चैनल, ना ही अभी उतना व्यूज आता है, ना ही उतने सब्सक्राइबर है, 10-20 सब्सक्राइबर है, हम क्या स्पॉन्सर मेरे को, हम किसी को करेंगे। तो बता दें, मैं जिससे पढ़ाई करता था, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए हैं दिनेश सर, दिनेश सर मैथ्स के पढ़ाते हैं, इनसे मैं मैथ्स पढ़ता था, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। तो दिनेश सर मैथ्स पढ़ाते हैं, एक्चुअली ये मराठी बोर्ड के लिए पढ़ाते हैं, बट इनका पढ़ाई बिहार बोर्ड में भी काम आने वाला है, क्योंकि ये मराठी में नहीं, हिंदी में ही पढ़ाते हैं। तो मैं दिनेश सर का स्टूडेंट रहा एक मंथ, मैंने अपने कोचिंग में ज्वाइन किया 2 महीने के लिए, जो कि 35,000 दिया आखिरी का 2 महीने, क्योंकि बिहार बोर्ड का पहले होता है, CBSE क्लास में होता है, तो हम लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट थे, तो मेरा 2 ही महीना बचा था, वो सबका 6 महीना लगभग था, और बाकी क्योंकि लॉकडाउन था तो पहले का भी फील था, तो हम 1 ही महीना पढ़े और 1 महीना छोड़ दिया कि मम्मी वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, पापा घर ही पे हम पढ़ेंगे, तो घर पे अपना पढ़ाई करने के लिए। तो मतलब मेरा वो फी वेस्ट ही गया, कोचिंग बिल्कुल काम नहीं आया। उसके बाद आप लोग, हम मैं यहीं से पढ़ा था। और रही बात, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैथ्स मैंने बता दिया, से पढ़ सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़िए, मैं उनसे पढ़ा हूँ, 1 शॉट वीडियोस वगैरह देखा हूँ, मतलब सच बता रहा हूँ, लगभग 15 से 20 दिन में मैं सीरियस हुआ था, और उसी का नतीजा बहुत बढ़िया गया है। अब लोग चीटिंग करके लिख देंगे, उनका अलग ही बात है, उनका हम नहीं बता सकते। तो अरविंद सर से पढ़ सकते हैं, और रही ये अरविंद सर सॉरी दिनेश सर से, और रही बात फिजिक्स, फिजिक्स आप किससे पढ़ेंगे? फिजिक्स मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा था, 1 शॉट वीडियो पढ़ता था, किससे? अरविंद एकेडमी, आप लोग को यहाँ पे अरविंद सर का दिख रहा होगा, मैं उनका स्टूडेंट हूँ, अरविंद उनका हूँ, मतलब सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था, ना ही कोई उनका क्लासेस का कोर्स खरीदता था, कुछ नहीं, मैं यूट्यूब पे उनका पढ़ाई करता था। तो आप लोग को अरविंद सर यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं इनसे पढ़ाई करता था। केमिस्ट्री के बारे में भाई लोग, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मैं केमिस्ट्री किसी का भी पढ़ लेता था, देख लेता था, केमिस्ट्री यू नो मतलब मज़ा भी नहीं आया मेरे को पढ़ने में, और याद भी नहीं होता था, तो समझ ही रहे हो, वैसे ही देख देख के लास्ट में एग्जाम के, मतलब समझ रहे हो ना, केमिस्ट्री ऐसा था मेरा। तो मैंने बता दिया, अब पढ़ाई यहाँ से, कॉलेज के पढ़ाई पे तो उतना नहीं हो पाएगा, बट मैं यहाँ से पढ़ के किया हूँ। हो सके अगर ये वीडियो एग्ज़ाम के बाद आए, रिज़ल्ट के बाद सॉरी, तो मैं रिज़ल्ट का भी ऐड कर दूँगा, बट अगर पहले आएगा तो भाई लोग कैसे ऐड करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि लगभग सारा कुछ मैंने बता दिया, और जो लोग PG पता नहीं क्या क्या पूछते हैं भाई, वो मेरे को पता नहीं है उस बारे में, तो इस बारे में किसी और से पता कर लीजिए, जितना हो सका मैंने दे दिया। और आज के वीडियो में बस इतना ही, आई होप आप लोगों को सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू रहेगा।